मुबारकबाद कि उन्होंने अपने एमएलए मंत्री देवदे वाल बधाया। सारे मुबारकबाद, इन्हों की मेहनत रंग लिया रही है। अचनचे चंडीगढ़ तो फोन आया सी कि तुहानू मंत्री की शपथ चुकाई जानी कल चंडीगढ़ पहुंचो। ये सारे हलका निवासियों पंजाब निवासियों मुबारकबाद। सच के मार्ग से चलण वास्ते आम आदमी पार्टी के मुखी श्री अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब सरकार, उन्हां दी रहनुमाई हेठ अज जिन्ने भी एमएलए साहबान मंत्री साहबान सारे नेक नीति नाल काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं कि उही भारत पंजाब सोने की चिड़ी बन जाएगा। इस तो पहला जिन्ने भी राजनीतिक रवेती पार्टियां सी वो लोग अपने घर भरते रहे ते लोगों को बर्बाद करते रहे। सही लोकतंत्र बने रहो, साडे नाल देखते रहो साडा चैनल। जेकर तो साडे चैनल ते नवे हो तो हुणे यूट्यूब ते जाके साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते ऑल घंटी ते क्लिक करो तां कि पंजाब भर दीआं खबरां तुहानूं मिल सकण सब तों पहलां। जेकर तुसीं फेसबुक ते हो तो साडे फेसबुक पेज नूं फॉलो एंड लाइक जरूर करो ते नाल दी नाल तुसीं साडे ट्विटर हैंडल इंस्टाग्राम डेली हंट शेयर चैट चैनल नूं फॉलो करना ना भुल्यो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਤੇ ਸ਼ਰਿਆ ਮਡਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਨੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗੀ कि आम आदमी पार्टी की पंजाब तो शुरुआत हुई है कि कोई भी एम एल ए एम पी है उसको टिक पेंशन मिलेगी। ये बहुत वधिया शुरुआत हुई है, लोगों के हित में है। वो भी लोग ने जिहड़े 10-20 हज़ार 5 हज़ार तक प्रति महीना गुजारा करते हैं तो राजनेता इन सहूलत लेके भी खुश नहीं होंगे सी। बहुत वधिया सारे ने पंजाब विधानसभा लाइव देखी जिहदे विच सरदार भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि वह लालची लोग जिहड़े वड्डे रुतबे छड्ड के भी इधर आए किसी लालच वस हो के कि उत्थे कोई इस तरह का होगा दबा, पर जो पहला हो चुका है इस तो अगे पंजाब विधानसभा दे विच ईमानदार मुख्यमंत्री ईमानदार सियासत एक नवे युग का आगाज होया ते आस उम्मीद नाल सारे लोग भरे हुए ने। आसा ते पूरे उतरेगी आम आदमी पार्टी। जय जवान जय किसान।